तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो गाइस, फाइनली व्हाट्सएप के ऊपर जिस फीचर का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो फीचर अब व्हाट्सएप के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर पहले एडिट मैसेज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अगर किसी को एडिट मैसेज वाला ऑप्शन लेना था ना व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप के किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को उनको यूज में लेना पड़ता था। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर उनका डेटा जो है वो चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता था, और कई सारे लोगों का डेटा जो है वो चोरी भी हो गया था। व्हाट्सएप GB या फिर व्हाट्सएप के ऐसे कई सारे कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, या फिर कह सकते कि मोड एप्लीकेशन है, मॉडिफाइड वर्जन है, जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप के बहुत सारे कुछ एडवांस फीचर दिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ने यहाँ पर एक कॉमनली फीचर जो है उसको लॉन्च कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि है यहाँ पर एडिट मैसेज का। जिसके अनुसार अब आप क्या कर पाओगे, अगर मान लीजिए किसी को आपने गलत वर्ड सेंड कर दिया, आपने कोई मैसेज टाइप करा, उस मैसेज के अंदर आपने कुछ गलती से टाइप कर दिया और उस मैसेज को आपने सेंड कर दिया, तो अब आपको उस वर्ड को चेंज करने के लिए उस मैसेज को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप उस मैसेज के अंदर ही उसको एडिट कर सकते हो उस वर्ड को, और उस वर्ड को वापस से सेंड कर सकते हो। जैसे आप सेंड करोगे तो यहां पर आपका जो मैसेज आपने पहले सेंड किया था ना उस बंदे को, वो मैसेज उसके पास में अब चेंज होकर के जाएगा। तो यदि आपको जानना है कि आप किस तरीके से अपने मैसेजेस को एडिट कर सकते हो, क्या यहाँ पर टाइमिंग है, कितने टाइम के बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, इस तरीके से कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इन इन्फॉर्मेशन को जानना है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन किया हुआ है, और व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए, मैंने किसी को यहाँ पर हेलो का मैसेज सेंड किया हुआ है। ठीक है, हेलो का मैसेज सेंड कर देने के बाद में अब मान लीजिए मैं हेलो के मैसेज को यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं कुछ मैसेज अभी सेंड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया और इसको सेंड कर दिया। ठीक है, इसको सेंड कर देने के बाद में अब मान लीजिए इसके अंदर मेरे को कुछ वर्ड में मिस्टेक हुई, तो अगर मेरे को उसको चेंज करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट मिल जाएगा, आपको सिंपली 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट मैसेज का आपको एक ऑप्शन मिल चुका है, सिंपली आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करोगे यहाँ पर अब आप इस मैसेज को डिलीट कर सकते हो, या फिर कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है ना इस मैसेज में वो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसको सिंपली क्या करना है, जैसे आप अपना मैसेज लिख दो तो यहाँ पर देखिए राइट का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो मैसेज था वो अब देखिए चेंज हो चुका है, साथ में यहाँ पर देखिए एडिट का जो टैग है वो आ चुका है। यानी कि अब जो सामने वाला बंदा है जिसको भी मैंने मैसेज सेंड करा ना, उसको मेरा पहले वाला मैसेज नहीं दिखाई देगा, उसको सिर्फ यही मैसेज दिखाई देने वाला है जो मैंने इसको एडिट कर दिया, और साथ में उसको ये भी पता चल जाएगा कि इस मैसेज को एडिट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए एडिटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि आपने इस मैसेज को एडिट कर रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैसेज सेंड करा जिसके अंदर देखिए मैंने एक फोटो डाल दिया और साथ ही में मैंने कुछ यहां पर मैसेज लिख दिया। अब यहां पर आप इसको भी एडिट कर पाओगे, सिंपली आपको लॉन्ग प्रेस करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आप इस मैसेज को कुछ भी यहां पर आप लिख करके इसको चेंज कर सकते हो, सिंपली आपको लिख देना है और राइट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका ये मैसेज जो है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए एडिटेड जो है वो लिखा हुआ आज का है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फीचर जो है व्हाट्सएप के ऊपर आया, तो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर लिमिटेशंस तो रहने वाली है। लिमिटेशन यहाँ पर क्या है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि आप अपने अपने मैसेज को अभी अभी जस्ट सेंड करा ना, तो जब भी आप अपने मैसेज को सेंड करते हो तो सेंड करने के 30 मिनट तक के अंदर अंदर आप अपने मैसेज को एडिट कर पाओगे, लेकिन 30 मिनट के बाद चाहे से 1 ही मिनट क्यों ना आगे हो गया हो, आप अपने मैसेज को चेंज नहीं कर सकोगे। ये टेलीग्राम का ऑफिशियल यहाँ पर अपडेट दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जो टाइमिंग वाला सिस्टम है, ये टाइमिंग वाला सिस्टम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ये फीचर अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो अभी एट प्रेजेंट 30 मिनट का टाइमिंग सेट है कि आप अपने 30 मिनट के अंदर अंदर अपने जो सेंड किए गए मैसेज है उसको चेंज कर सकोगे, लेकिन 30 मिनट के बाद में आप उस मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। और साथ ही में यहाँ पर एक और चीज है कि देखिए, टेलीग्राम के ऊपर जब आप किसी फोटो को या फिर किसी वीडियो को आप सेंड करते हो तो वहां पर आप उनको एडिट करके और उनकी जगह कोई दूसरी फोटो या फिर वीडियो डाल सकते हो, लेकिन अभी व्हाट्सएप के ऊपर इतना एडवांस फीचर सेट नहीं किया गया। आप सिर्फ अपने टेक्स्ट मैसेज को ही चेंज कर सकते हो, किसी फोटो या वीडियो को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपने अगर फोटो या वीडियो के साथ में कोई मैसेज लिखा है तो आप उस मैसेज को चेंज कर सकते हो, लेकिन उस फोटो या वीडियो को चेंज नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।